अगर अभी तक आपने जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हो जागो समाज चैनल पर सबसे पहले न्यूज, तो सब्सक्राइब दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जाकर क्लिक करें और सबसे पहले न्यूज जैसे ही डलती है तो वो होगी आपकी स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन के जरिए आपको दिखाई देगा मैसेज और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं न्यूज। जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम। चलिए हम बात करेंगे आज कोरोना वायरस का इतना प्रकोप जो है वो चल रहा है, बड़ा लोग जो है वो सहमे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री साहब ने जो है वो घोषणा कर दी है 1,70,000 करोड़ रुपया जो राहत राशि में जो देने वाले हैं कि देश की जो जनता है जो भूख से ना मरे और जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी सहयोग मिले, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री जी की ओर से जो है वो घोषणा हो चुकी है। एम्प्लॉयज़ जैसे मान लीजिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो 50 लाख रुपए का जो है वो बीमा किया गया है। आप समझिए हेल्थ विभाग में जैसे डॉक्टर्स, नर्सें, आशा वर्कर जो होते हैं उनको, वो जितने हेल्थ विभाग में जो आते हैं उनका जो 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस जो है वो बीमा किया गया है। तो वहीं आज जो भटिंडा से खबर आ रही है कि कोरोना में जो ड्यूटी कर रहे थे 3 युवक जो है वो गाड़ी उनकी जो है पलट गई, जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं उनकी गाड़ी पलट गई और वो जो है गंभीर रूप से घायल है और साथ ही के अस्पताल में जो है उनको भर्ती कराया गया है। उससे पहले संदीप वाल्मीकि जो है यूपी से, उनकी जो है कोरोना में जो है ड्यूटी करते वक्त जो है मौत हो चुकी है। और वहीं अब देखा ये जाए कि प्रधानमंत्री साहब ने और हमारे देश की जो सरकार है उसने राहत कोष में जो है जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा किया है, मगर वहीं सफाई कर्मचारी भी जो है अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं, जो अस्थाई कर्मचारी है वो भी, जो एवजीदार कर्मचारी है वो भी और जो स्थाई कर्मचारी है वो भी अपनी बगैर सेफ्टी के जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। ना उनके पास कोई मास्क है, ना कोई ग्लव्स है, ना कोई उनके पास साबुन है, ना सैनिटाइज़र है, तो वो बगैर सेफ्टी के जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री साहब ने और बीजेपी सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं दिया। क्या सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे? क्या उनको सुविधा का जो है वो हक नहीं है? क्या वो देश में नहीं पल रहे? क्या वो देश की जनता नहीं है? क्या वो देश के लिए नहीं लड़ रहे जो महामारी में पुलिस महकमा और हेल्थ विभाग और सफाई कर्मचारी विभाग यानी सिविक सेवा जो है वो मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है? हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि भरी बरसात में भी जो है वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही है, वहीं सफाई कर्मचारियों को इग्नोर क्यों किया जाता है? क्यों सफाई कर्मचारी क्या इस देश का नहीं है? क्या वो बाहर देश से आया है, क्या पाकिस्तान से आया जो उसको इतनी दुश्मनी की नज़र से जो है वो देखा जाता है, जातिवाद की नज़र से आप देखते हैं उसको? सफाई कर्मचारी की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप हटा दीजिए सबको, मना कर दीजिए कि हम सफाई नहीं कराएंगे, आप कर लीजिए खुद। सफाई कर्मचारी सिर्फ इसलिए, वाल्मीकि जाति में से लोग इसलिए सफाई करते हैं क्योंकि वो लोग, आप लोगों ने अनपढ़ उनको रखा हुआ है। अगर उनको आप पढ़ने का अधिकार देते हैं, उनको सहयोग अगर करते हैं तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे तो वो देश चलाएंगे, मगर आपकी आंखों में तो ये चुभेगा। आप मंचों पे बड़े बड़े भाषण देते हो, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग समझाते हो कि जातिवाद ख़त्म कीजिए, जातिवाद ख़त्म कीजिए, मगर जातिवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। आप लोग महामारी में भी जो है जातिवाद देख रहे हैं, आप लोग महामारी में भी जो है वो कैटेगरी देख रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि सफाई कर्मचारी कैसे मुस्तैदी से अपने घर से निकलता है? लोग दुबके हुए हैं, जो कहते हैं हम राष्ट्रवाद, राष्ट्र हमारा है, वो लोग आज छुपे हुए हैं, वो लोग रोड पे नहीं निकल रहे, वो लोग जो है वो घर में दुबके हुए हैं। कितने दिन हो गए लॉकडाउन को, तो ये लोग जो है वो सफाई कर्मचारी जो है वो लोग निकल रहे हैं। और वहीं आप मुद्दा ले लीजिए कि राम मंदिर का जो है निर्माण जो है वो शुरू कर दिया गया है, उसका शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है और वो आरती
के साथ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो खुद वहाँ पर गए हैं। जब आप लोग ये कह रहे हैं कि कानून का जो है पालन कीजिए, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं आप लोग चार से ज़्यादा इकट्ठे मत होइए, मगर आप ही के बीजेपी के लोग और वो भी मंत्री एक पद पर बैठे लोग जो है वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात आपको शोभा नहीं देती। ये बात जो है जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको ये शोभा नहीं देती। आप तो वो बात कर रहे हैं कि खुद मत जाइए मगर हम जाएंगे, इससे तो ये लगता है आप डरा रहे हो। आप डर नहीं रहे कोरोना वायरस से, आप डरा रहे हो। और आप 11 लाख रुपए दे रहे हो, आप 1 अरब की तिरुपति बालाजी मंदिर ने 11 नवंबर को जो है वो घोषणा की थी कि राम मंदिर को हम 1 अरब रुपया जो है और वो देंगे निर्माण में, मगर अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है वो 1 अरब रुपया या कुछ भी वो है वो दान दे रहे हैं। आप मंदिर में दे रहे हैं, आप राहत कोष के लिए, आम जनता के लिए, जिन जनता ने आपको 10 रुपये से लेके हजारों रुपया तक जो है वो दान दिया है, जो मंदिर आज 1 अरब रुपया जो आप दे रहे हो वो जनता का पैसा है, वो इन्हीं का पैसा है, आप इनमें ही लगाइए ना। आप मेडिकल सुविधा में लगाइए, आप हेल्थ सुविधा में लगाइए, आप सफाई कर्मचारियों के लिए दीजिए। आप डिपार्टमेंट के लिए नहीं सोच रहे, आप हेल्थ सुविधा के लिए नहीं सोच रहे, आपको सिर्फ मंदिर चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है आपके लिए एक बड़ा शोरूम बनेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा आएगा और आप में आपका उसमें हिस्सा होगा। आज दिल में यहाँ पर आग लगी हुई है, इसलिए ये कटु वचन जो है वो शब्द जो है वो निकल रहे हैं, और इसे मैं घबराता भी नहीं हूँ। हम डरते नहीं हैं, एक दिन सबको मरना है, लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करके मरे तो वो अमर होगा, वो कुछ करके जाएगा तो समाज याद रखेगा कि भी कोई हमारे लिए लड़ने वाला था। एक सुनील अंजाना अगर मरेगा तो 10 पैदा होंगे, 10 मरेंगे तो 100 पैदा होंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ सोचिए और इनके लिए राहत पैकेज, इनके लिए बीमा कीजिए, ग्लव्स, इनके लिए मास्क, इनके लिए सारी सुविधाएं जो है वो आप कीजिए, और इनकी आने जाने का बंदोबस्त भी जो है वो आप कीजिए, क्योंकि महिलाओं के भी फोन आ रहे हैं कि उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है, कि बसें जो है वो कम तादाद में चल रही है तो उनको बस जो है वो टाइम से नहीं मिल रही, तो उनके काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे बाइकों पर अगर जा रहे हैं तो उनको डंडे मार रही है पुलिस क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आई कार्ड भी उनको बनाकर नहीं दिया जा रहा, चाहे दिल्ली हो या और अन्य राज्य हो, उनके पास ड्यूटी का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, उनके पास इमरजेंसी ड्यूटी का कर्फ्यू पास जो है वो होना चाहिए जिससे वो साधारण तरीके से जो है वो आ जा सके। और पुलिस की ड्यूटी है देखिए वो चेकिंग करने की, वो ठीक है चेक कर रहे हैं, मगर उनको दिखाने के लिए जो है कर्मचारी के पास पास होना चाहिए। तो ये सुविधा आप कराइए, आपकी ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है। सरकार, आप कहते हो जनता जो है वो गंभीरता से नहीं ले रही कोरोना वायरस को, मगर हम तो कहते हैं आप भी इसको, जो सरकार है वो भी गंभीरता से नहीं ले रही, आपने इसको पर्व बना दिया। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे थालियां जो है वो बज रही है, ठीक है, तालियां बज रही है, थालियां बज रही है, शंख बज रहे हैं, नगाड़े आप बजा रहे हो, ढोल आप बजा रहे हो, भीड़ को आप खुद ही, आप कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन रहिए, घर में रहिए, मगर आप जैसे ही पूरा दिन लॉकडाउन रहा वैसे जैसे ही 5 बजते तो भीड़ इकट्ठा हो गई, और वहाँ पर जो है बीजेपी के लोग और अन्य पार्टियों के लोग जो है वो उन्होंने पर्व बना दिया, उन्होंने जो है जुलूस निकालना शुरू कर दिया, ढोल नगाड़े बजा रहे, भाई कौन सा पर्व है, आप लोग गंभीर नहीं हो या इसका मतलब, आप जनता को डरा रहे हो, आप खुद नहीं डर रहे आप जनता को डरा रहे हो। तो आप लोगों से बार बार अपील है, हाथ जोड़ के सोते शेर को मत जगाइए, उसको पेट भर के जो है खाना दीजिए, क्योंकि 3 महीने 4 महीने हो गए लोगों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि 3 महीने 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही उनकी, जो सफाई कर्मचारी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, अब उनका आप क्या करेंगे, क्या उनका जो 1,70,000 करोड़ रुपया जो राहत कोष आपने जो दिया है, राहत राशि आपने देश को दिया, क्या उसमें से इन लोगों को आप क्या इनकी तनख्वाहें देंगे, जो पिछली जो बकाया रह गई है क्या उसमें से आप उनको देंगे। आप लेने की तो बात करते हैं, अभी यूनियन संगठनों ने भी कितने लोगों ने जो है वो घोषणाएं कर दी है कि
एक एक दिन का वेतन जो है वो काटकर कर्मचारियों का हम अपने संगठन की तरफ से, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आपदा में आपको सबको हमको मिलकर जो है वो लड़ना चाहिए, मगर क्या भूखे पेट लड़ाई होती है? क्या बगैर सुविधाओं के, क्या बगैर शस्त्र अस्त्र के कोई लड़ाई जीती जा सकती है? आपने तो सिर्फ वो बात कर दी कि आपको खाली हाथ और आप जाओ भेड़ो, दुश्मन से लड़िए और जीत के आइए, आपने तो वो काम कर दिया। अरे आप इनको अस्त्र शस्त्र यानी इनको सुविधाएं दीजिए, इनको ग्लव्स दीजिए, मास्क दीजिए, इनको सैनिटाइजर दिए, साबुन दीजिए, इनको लड़ने की शक्ति दीजिए, इनके पास बनाइए और इनको इनका बीमा भी कीजिए आप, और इनके जो बकाया वेतन है वो भी दीजिए, क्योंकि जो महामारी जो चल रही है उसमें इन आर्थिक स्थिति से जो है सबसे पहले इनको मजबूत कीजिए, जब जाके देश मजबूत होगा। तो आप लोगों से जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए, क्योंकि आप ही के हक की लड़ाई है, आप ही के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर आप लड़ेंगे, आप शेयर करेंगे तो आप जीतोगे। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।